बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच है, ठीक है। किसी दुनिया को इसका समझ नहीं आता, मुझे भी कम से कम 2 हफ्ते लगे हैं सिर्फ इसका अलिफ बे समझने में। तो इंशाल्लाह ताला आपको आसानी होगी ये सुन के। इसमें ये देखें ऊपर मुख्तलिफ टैब्स दिए हुए हैं ना, ये तो वही वर्ड वाले हैं, प्रिंट श्रिंट सेफ ओपन न्यू, ये कुछ दिए हुए हैं। इसकी कही है जिसके ऊपर आप माउस रखेंगे उसका नाम आ जाएगा, ये है ना। अब ये देखें लिख दिया उसने सोर्सेज, इसे क्लिक करेंगे तो ये सोर्सेज आपके पास मौजूद है, ठीक है। ये क्या है बेसिक्स, इसे क्लिक करेंगे ये इसके बेसिक्स खुल गए। जिसको बंद करना है उसे बंद करते जाएँ। अब मसल इसमें से ये चीज़ क्या है, यह डीसी करंट सोर्स, इसको आपने नक्शे में शामिल करना, ठीक है। इसे इसके ऊपर माउस रखें, माउस को क्लिक किया, ठीक है, ये मैंने क्लिक कर दिया, इसे सीटें नीचे ले आए, ठीक है, राइट पर इधर क्लिक करें, ये आ गया। अच्छा, अब कोई और चीज़, मिसाल के तौर पर कोई और चीज़ चाहिए ना, हमें चाहिए ये क्या है VDD वोल्टेज सोर्स, इसको पकड़ें। मिसाल के तौर पे मैं इधर ले आया, ठीक है, इसे क्लिक करें, ये आ गया। अच्छा, अब इसके और इसके दरमियान वायरिंग करनी है, तार लगानी है। ये समझ लें कि ये आपकी बिजली की साकेट है और ये आपका फ्रिज पड़ा है, इसके दरमियान कोई तार होनी चाहिए ना, तो तार तो है नहीं है। अब तार लगाने के लिए जैसे तार नहीं मिलती, मैं 2 दिन से तारें ढूंढता रहा हूँ, मुझे तार मिल जाए, फिर मुझे पता चला कि इसको ये देखें, ये जहाँ नुकता आ जाए ना इधर रखते ही, इसका मतलब ये तार निकल सकती है। इसे क्लिक करके पकड़ लें, घसीट के लाएँ, इसके इस सिरे के ऊपर लाएँ जहाँ जब नुकता बने, ये देखें ये नुकता बन गया। अब आप नुकते के ऊपर इसे रखें और छोड़ दें, यह तार आपकी बन गई ऑटो पे, ठीक है। अगर इसे आप सारे को सेलेक्ट करके ऐसे छोड़ेंगे तो इसका देखिए कलर भी चेंज हो गया कि रेड क्या है ब्लैक क्या है, ये इधर को क्या करंट जा रहा है, इधर को क्या जा रहा है। थैंक यू।